नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रविंद्र और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र मॉनिटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी ज़मीन या खेत की जो फर्द है या खतौनी है उसको किस तरह से निकाल कर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनकी जो फर्द है, खतौनी है, वो रियल टाइम डाटा में कन्वर्ट की गई है। तो मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगा कि आप कि अगर रियल डाटा में कन्वर्ट हुई है तो आप उसको किस तरह से निकाल सकते हैं, या आप सीधे फर्द को अपनी किस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी ज़मीन या खेत की फर्द या खतौनी को निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च में लिखना है भूलेख। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे, वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूलेख खतौनी का एक ऑफिशियल पेज खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे रियल टाइम खतौनी की नकल देखें पर क्लिक करेंगे। दिया हुआ यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसको करेक्टली फिल करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे आपके सामने सभी जनपदों के नाम आ जाएंगे जिनके रियल टाइम खतौनी में कन्वर्ट हुई हैं फर्दें। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने जनपद को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका इसमें नाम है तो यहाँ पे आप अपने जनपद यानी ज़िले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी तहसील को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे जैसे आप तहसील को चूज़ करेंगे, यहाँ पे दिए हुए तहसील में जो ग्राम पंचायतें हैं जिनके नाम रियल टाइम खतौनी में कन्वर्ट हुए हैं वो यहाँ पे शो किए जाएंगे। यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अपनी ग्राम पंचायत का पहला अक्षर है उसको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको आपके गांव के नाम यहाँ पे का वर्ड से जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उससे दिखाई देंगे। यहाँ पे आप अपने ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का आपको पेज प्रीव्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आपके पास आपको आपका गाटा संख्या, खसरा संख्या अगर याद है, खाता संख्या, तो आप यहाँ पे उसको टाइप करेंगे और सर्च के ऑप्शन यानी खोजे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर इन दोनों में से आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप खातेदार के नाम द्वारा सर्च पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक कीवर्ड नीचे चूज़ करने को मिल जाएगा जिसमें आप यहाँ पे अपना नाम टाइप करेंगे, जिससे कि आपकी जो उस ग्राम पंचायत में ज़मीन है या खेत है तो उससे रिलेटेड जो भी संख्याएँ गाटा संख्या हैं वो निकल कर आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम है, मैं इसको इस पर वर्ड से सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मतला देवी नावा। तो यहाँ पे आपको इस नंबर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे उदाहरण देखे पर आपको क्लिक करना है। कैप्चा कोड फिर से आपको शो होगा, यहाँ पे इसको दोबारा से फिल करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्द की जो सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कितने हिस्सेदार हैं और यहाँ पे इसका जैसे खातेदार का विवरण, यहाँ पे आपको खातेदार के नाम देखने को मिल जाएगी, गाटा संख्या मिलेगी। नेक्स्ट में यहाँ पे जो इसका विवरण है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या आदेश है इसका, दिनांक। नेक्स्ट में यहाँ पे इसका यूनिक कोड क्या है और यहाँ पे उसका क्षेत्रफल कितना है। नेक्स्ट में यहाँ पे आपको सारे हिस्से में कितना किस पर पड़ता है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे करना क्या है, इसको डाउनलोड करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस पेज को आप क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा शेयर का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको प्रिंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव एज पीडीएफ का एक
मेन्यू मिलेगा। इस पर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास कोई प्रिंटर है तो आप इससे कनेक्ट करके उसको प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, आपकी जो फॉर्द है खतौनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो एक फॉर्मेट में तैयार हो गई है पीडीएफ में। तो आप यहाँ पे पीडीएफ का एक आइकन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फॉर्द है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके डिवाइस मोबाइल में सेव हो जाएगी। उसके बाद साधारण अपनी जो फॉर्द है निकालने के लिए आप वापस यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको दोबारा से भूल एक टाइप करेंगे, इस पर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से ये ऑफिशियल पेज ओपन हो के आएगा। यहाँ पे सेकंड नंबर पर खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखे पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ जो कैप्चा कोड है इसको फिल करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऊपर एक मैसेज होगा, जो ग्राम यहाँ नहीं दिख रहे हैं उन सभी ग्रामों को रियल टाइम खतौनी में देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रियल टाइम खतौनी को किस तरह से देखेंगे, जिनके ग्राम पंचायत अगर रियल टाइम खतौनी में नहीं शो हो रहे हैं तो वो आप यहाँ पे अपने साधारण खतौनी में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ग्राम पंचायत या जो जिला इसमें शो नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं तो आप इनको इजी तरीके से देख सकते हैं। फिर से आप इसी तरह से चूज़ करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी कर्मापुर माफी का देखा था जो कि रियल टाइम खतौनी में कन्वर्ट था, लेकिन यहाँ पे का वर्ड से काफ़ी सारे नाम हैं जो कि अभी भी यहाँ पे रह गए हैं साधारण खतौनी के लिए। तो आप यहाँ पे फिर से जिनके नाम हैं वो यहाँ पे अपने ग्राम पंचायत पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, आप अपने अपना नाम यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद अपने नंबर्स पर क्लिक करेंगे, उदाहरण देखे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ जो कैप्चा कोड है उसको करेक्टली फिल करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फर्द है बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे जो रियल टाइम खतौनी है उसमें काफ़ी सारी चेंजेस की भी आपने देखा ही था, लेकिन इसमें जो साधारण फर्द है वो उसी तरह से दर्शाई गई है। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से साधारण खतौनी और रियल टाइम खतौनी को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।